इस खबरनामे के ताउन करदा ओएस जूनियर एंड डिग्री कॉलेज ओएस इंटरनेशनल स्कूल शाहीन नगर हैदराबाद। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। किशनबाग कॉन्स्टेंसी में एमएलए जनाब मौजम खान साहब की हिदायत पर कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम साहब की निगरानी में कई मुकामात पर सैनिटाइजर स्प्रे किया गया, जिसके चलते एक्टिव मेंबर मोहम्मद इरफान साहब, मुनवर साहब, जहांगीर साहब, मोहसिन साहब और उनकी टीम मिलकर इस काम को अमल में लाया और आवाम से घर पर रहने की अपील की। एमसीएच के अहदेदार मल्लेश राजाशेखर, गणेश, एके मिश्रा और उनकी टीम का भी इसमें भरपूर ताउन रहा। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी किशनबाग डिवीज़न में आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर मजलिस कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब नवाब मोहम्मद मौजम खान साहब एमएलए हलके हाजा की निगरानी में आज सैनिटाइज़र का छिड़काव किया गया। गाड़ी के प्रेशर के जरिए असद बाबा नगर में आज विद्या भारती अपोजिट किशनबाग पार्क के अपोजिट से विद्या भारती स्कूल से होते हुए सारे असद बाबा नगर, महमूद नगर में और जहां महमूद नगर को सील किया गया वहां भी छिड़काव किया गया। नजम नगर में, एसपी नगर में, अर्श महल में, सारे इलाके में, डिवीज़न में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। और भी जो कुछ है तो हम जो ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है, साफ़ सफाई का खास इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के ज़रिए सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदा के लिए आप वबाई अमराज के लिए एहतियात कीजिए, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और जो डॉक्टर प्रिकॉशन दे रहे हैं कुछ आपके लिए, आप घरों में रहिए, कुछ आपको ज़रूरी काम है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसके निकल कर अपना सामान लीजिए या कुछ मेडिकल के दवाएँ लीजिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों को, ये बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है मामूली कर्फ्यू, आप इसको जो एहतियात नहीं कर रहे हैं, दोबारा आप एहतियात कीजिए। आप सबको ये मैसेज देते हुए मैं सभी लोगों को छिड़काव किया गया और इंशाल्लाह और भी काम किया जाएगा। हम जो भी फूड पैकेट्स हो या रेशन के पैकेट किट्स हो हम तकसीम कर रहे हैं, इंशाल्लाह रोज़ बर रोज़ इलाके में तकसीम किया जा रहा है। इंशाल्लाह हम जमात रुफा के साथ एक हम बुलाए हैं बात कर कल भी इसका इंतजाम किया जाएगा। शुक्रिया। तो दोस्तों देखते रहिए आपका अपना चैनल टुडे टाइम न्यूज़।